मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर असिस्टेंट टीचर। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, जिसपे हमने कल क्या पढ़ा था, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम की फीचर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर फेडरलिज्म। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके अंदर हम मेन ये देख लेते हैं कि ये जो फेडरलिज्म है, इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पावर्स को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं, थ्री लेयर्स में डिवाइड करती है। जो पहला लेवल जो है वो क्या कहलाता है, लोकल लेवल। सेकेंड लेवल जो होगा वो कहलाता है स्टेट लेवल। और जो थर्ड लेवल है वो कहलाता है सेंट्रल लेवल। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इसमें अपने पावर्स को डिवाइड करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म के रूप में, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा वोटिंग के आधार पर किस तरीके से हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, पेज नंबर आपको निकालना है 11, और जिसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको फेयर नोटबुक में लिखनी भी है साथ साथ, जैसे कि आप की फीचर्स हेडिंग डालोगे ऊपर, की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है आपको, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे और उसके बाद में फर्स्ट हेडिंग डालोगे हमारा फेडरलिज्म। इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि कंट्री के अंदर एक लेवल से दो, दो से तीसरे, तीसरा लेवल तक जो गवर्नमेंट है, तीसरे से चौथे, अलग अलग लेवल पर जो हमारा गवर्नमेंट फॉर्म है वो डिवाइडेड होता है। जैसे कि अभी थ्री लेयर्स मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे जो होता है लोकल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सेंट्रल लेवल। तो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा लेवल के फॉर्म जो हैं वो कंट्री के लिए बनाए जाते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्यों ज़रूरत है फेडरलिज्म की, तो वास्ट नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़ देन हाउ कैन ए सिंगल पर्सन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन गवर्न ऑल द कम्युनिटीज़। कि जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो सभी को किसी वन पर्सन के द्वारा रूल करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सभी के अंदर अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि पूरे देश को देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, फिर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग गवर्नमेंट डिवाइड कर दी, फिर उससे नीचे आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या विलेज लेवल पर, उस पर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट डिवाइड होगी। तो इससे क्या होगा, एक एक पर्टिकुलर एरिया पर अगर किसी एक पर्सन लीडर को अपॉइंट किया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, किसी को रूल करना या वहाँ से गवर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए फेडरलिज्म की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसीलिए हमें दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जो है वो कैसी है, तो स्टेट इंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर, बट एट द सेम टाइम दे फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट पावर जो है वो तो यूज़ करता ही है, स्टेट लेवल पर पावर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल जो होता है वो उसको सुपीरियर माना जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देगी वैसा काम स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉज मेकिंग पावर ऑफ ईच टायर, यानी कि जो अलग अलग लेवल है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, हर एक लेवल पर सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड अपनी पावर है। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ मनी फॉर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, और हर एक लेवल को ये पता है, जैसे लोकल लेवल को पता है कि अगर हमें किसी काम को करवाना है तो उसके लिए उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे, स्टेट लेवल को पता है कि अगर हमें कोई काम करवाना है तो उसे पैसे कहाँ से लाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पता है कि उसको अगर कोई काम देना है इन लोगों को तो किस तरीके से कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करना है। तो हर एक के पास सोर्स ऑफ मनी जो है वो हर लेवल के पास में स्पेसिफाई होता है, पहले से ही उनको पता होता है। जैसे कि अब ये जो लेवल है उनको
उनके काम कैसे डिवाइड किए गए हैं, तो जैसे कि यूनियन लिस्ट है तो उसमें आते हैं फॉरेन अफेयर्स, कि दूसरे देशों के साथ में अगर उसका कोई रिलेशन बनाते हैं हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, तो उनको कौन देखेगा, यूनियन लिस्ट देखेगा। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, जिसमें इंटरनल ट्रेड हमारे देश के अंदर ही जो व्यापार किए जाते हैं उनको, और पुलिस वगैरह को देखने का काम कौन करता है, स्टेट लिस्ट के द्वारा किया जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन से आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है एजुकेशन, हमारा एजुकेशन जो है वो देखने के लिए। फिर है अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरलिज्म के अंदर स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी पावर जो होती है वो किसके पास होती है, फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी बताई गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब हम दूसरा हमारा ये हमारा यहाँ पर हमारा फेडरलिज्म कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं, कि एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर पार्लियामेंट से बेस हो, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे ही द्वारा चुने गए व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, नियम बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे।